अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो, COVID-19 केसेस आर इंक्रीजिंग, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। जी तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फौजिया फुरकान मोना किचन, थैंक यू। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन। इसके लिए हमें अनियंस चाहिए 2 मीडियम साइज़, और गार्लिक पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ऑयल जो है वो 3/4 कप चाहिए मुझे। इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे उसमें है सबसे पहले कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून आधी चम्मच, और धनिया पाउडर जो है वो भी 1 छोटी चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून, लेमन जूस चाहिए 1 टेबलस्पून, और योगर्ट जो है दही 4 टेबलस्पून्स। मैंने यहाँ पर जो स्पिनच है पालक वो उसके 2 पैकेट लिए हैं फ्रोज़न, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोनलेस चिकन जो है वो 1.5 पाउंड है। दो अदद सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज धनिया। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम जो पालक है मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, और बॉईल करने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न पालक ली है। आप इस यहाँ पर फ्रेश पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पानी इतना लेना है कि इसी के अंदर जो पालक है वो कुक हो जाए, और उसके बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी। यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और अब इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। स्टेप 2 जो है उसके अंदर हम पैन में ऑयल जो है उसको गर्म करेंगे, और उसके अंदर अनियंस जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आपने गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड करना है, और इसको 1 मिनट पकाना है। और उसके बाद इसमें चिकन जो है वो ऐड कर देना है, और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट जो है पकाना है। इसके बाद आपने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं, और इसको 1 से 2 मिनट तक भून लें। आप देख सकते हैं कश्मीरी सुरख मिर्च डालने से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इस दौरान आपने लेमन जूस जो है वो इसमें शामिल करना है, और इसके बाद आपने 4 टेबलस्पून्स दही के, और इसको अच्छी तरह पका लें 2 से 3 मिनट्स। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन 1/2 कप ऐड करना है, और इसको कवर कर दें 2 से 3 मिनट्स के लिए।
यहाँ पर टाइम है सॉल्ट ऐड करने का, तो नमक अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें डाल दें। और लास्ट में आपने इसमें जो बॉईल करके अपने पालक जो ग्राइंड की थी वो इसमें ऐड करें और इसको अच्छी तरह से पका लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट्स आपने इसको मज़ीद कुक करना है। और फिर उसके बाद आपने हाफ कप पानी डालकर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। इतनी देर में आपने इस यहाँ पर कोरिएंडर सब्ज़ धनिया जो है वो लेना है और उसको आप काट लें। यहाँ पे एक छोटी सी टिप है कि अगर आपके पास धनिया ज़्यादा हो तो आप इसको इस तरीके से वाइट पेपर्स लेकर किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में वाइट पेपर और उसमें थोड़ा सा धनिया और फिर वाइट पेपर, तो इस तरीके से काफ़ी अरसा फ्रिज में इसको सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी पालक चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और गार्निश करेंगे धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।